दोस्तों, हम इस रास्ते से गुजरते हुए हमें एक खेत दिखा और खेत में कुछ किसान अपनी फसलों को जमाते हुए या फसल काटते हुए हमको नजर आए, तो याद आ गई हमको अपने पुराने उस जमाने की जब हम छोटे थे और हम भी इस गांव में ऐसे ही गांव में रह चुके हैं, तो हमको उसकी थोड़ी सी महक आ रही थी। तो हम रुके और आपको दिखाना चाहते हैं कि गांव में की जिंदगी कितनी बेहतरीन होती है, सुकून की होती है, जहाँ पे किसान अपनी फसलों को लगाकर जब उसकी फसल तैयार हो जाती है, जब उस किसान की फसल तैयार हो जाती है, तो तैयार होने के बाद वो उस फसल को काटता है, उसकी कटाई होती है, उसकी बांधाई होती है और फिर उसको रचाया जाता है अपनी फसलों को, और फिर उसके बाद अलग अलग प्रोसेस है। तो हम लोग जाते वक्त हम लोग को ऐसा लगा कि भाई ये चीज़ आपको दिखाया जाए, क्योंकि गाँव में का जो माहौल होता है और अभी इस वक्त इस मौसम में आपको ग्रामीण क्षेत्र में आपको ये सब चीज़ें ज़्यादातर दिखाई देंगी, जहाँ पे एक थोड़ा सा कुछ पल आप बिता सकते हो, थोड़ा सा सुकून का आपको कुछ पल मिल सकता है। तो दोस्तों, क्या नाम भैया आपका? वासुदेव कुमरे। अच्छा, वासुदेव कुमरे जी, आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि ये फसल आपने कब लगाई थी, ये धान की फसल, और अभी आप क्या कर रहे हो? ये 7वें महीने में लगाए। 7वां महीना, मतलब जून जुलाई में इन्होंने फसल को बोया था, है ना, बीज डाला था, और इस अक्टूबर महीने में इन फसल जो है वो काटने पे आई है। मतलब अब ये फसल को काट कर काटने के बाद सुखाने पड़ता है 2 दिन। देखिए दर्शकों, ये है धान। धान यानी इसमें से निकलेगा चावल 90 दिन के बाद, है ना, 90 दिन की शायद ये फसल है, ये धान की फसल है, और ये फसल अभी कटाई पे आ गई है। मतलब इसको काट कर इन्होंने सुखाया है, तो सुखा कर अभी यानी बांधना पड़ता है, बांधने के बाद गंजी रचना पड़ता है, फिर मशीन लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जो है, ये जो धान है, ये कटाई करने के बाद इसको जमीन पे सुखा दिया गया है, मतलब जमीन पे ऐसा रख दिया गया है, ये कुछ दिनों के बाद यानी 2 दिन में कम से कम उसको धूप लगने के बाद सूख जाती है। उसके बाद फिर क्या किया जाता है? इसको बंधे हो जाएंगी, बंधे के बाद गंजी रच जाएंगी, और गंजी रचने के बाद अभी यानी जब अपने को फुर्सत रहेगा, मशीन चालू हो गई तो मशीन लाके निकाल लेंगे। अच्छा, मतलब ये सुखाने के बाद एक गंजी रचते हैं ना, हाँ। तो भी आपको दिखाना चाहेंगे हम कि गंजी कैसी रची जाती है और वो उस टाइप से क्यों रची जाती है, उसका भी कोई रीजन है। हाँ, पानी तो नहीं घुसने को ना। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये धान जो है सुखाने के बाद इसको गंजी गंजी रची जाती है ना, और उसके बाद मशीन से, अब तो मशीन से यूज किया जाता है, पहले तो शायद बैलों बैलों से किया जाता से, हाँ, था, बैलों से हो रहा है। बैलों से वो कुछ बनाते थे ना, हाँ, क्या, ये खल्ला खल्ला, अच्छा, खल्ला बनाते थे, हाँ, खल्ला बनाने उसमें के यानी बाद, बैल गाड़ी चल रही थी, नहीं तो यानी 6 बैल लगते थे, उसको बोल रहे थे दावन। हाँ, तो उसको बहुत समय लगता ना। उसको बहुत नहीं उतना समय लगता, बैल गाड़ी को उतना समय लग रहा था, और दावन जो बोल रहे हैं उसको भी उतना समय लगता लेकिन अभी जो मशीन से होता है उसका, है। मशीन का भी यानी 1-1.5 घंटे में काम हो जाता है। यानी जो हाँ, आपको एक ही हफ्ता चलता था ना ये नहीं आपका, 3-4 दिन चलता था, 4 दिन का काम, दस बार दस अब बारह बोरिन को यानी 3-4 दिन चलता था। और अभी अगर 100 बोरी निकालना है तो, 100 बोरी में दिन भर में खेल खाता हूँ। यानी अगर देखो, पहले ऐसा था कि पहले बैलों से बंडियों से उसको जोत कर खल्ला बनाया जाता था और वहां पे वो धान को चूरा जाता था। लादना तो पड़ता दस था, बोरे धान निकालने के लिए इनको करीब करीब 3 से 4 दिन लगते थे, लेकिन अभी मशीन का युग आने की वजह से मशीन से ये अगर 100 बोरे अगर धान निकालना है तो चूरना है तो वो धान इनको 1 दिन में शायद 100 बोरे आपका 100 बोरा निकल जाता है। हमारे वीडियो देखने के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करिए।